वर्बल कम्युनिकेशन आपके इंटरव्यू में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इंटरव्यू में सफल होने के लिए आप बॉडी लैंग्वेज का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए मैं आपको बहुत यूजफुल सलाह देना चाहूंगी, जिस पर फोकस करके आप अपनी सक्सेस पक्की कर सकते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा न रखें। आपके मुंह की बनावट आपके सारे आचरण को दर्शाती है। ऊपर की ओर मुंह करना ये दर्शाता है कि आप मुस्कुराते हैं, और नीचे की ओर मुंह करना ये दर्शाता है कि आप क्रोध या फिर तेवर बहुत ज्यादा दिखाते हैं। और शांत तथा सीधा मुंह रखना ये दर्शाता है कि आप मुस्कुराते भी हैं और आप में तेवर भी है। जहां तक हो सके अपने मुंह को ऊपर की ओर रखें, या फिर कम से कम सीधा तो जरूर रखें। अपने कदमों पर ध्यान दें। इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने का आपका तरीका भी आपके आचरण को दिखाता है। सीधे और विश्वास से भरे लंबे कदम बढ़ाकर चलना ये दिखाता है कि आप इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट हैं। जबकि अगर आप धीमे और हिचकिचाहट भरे कदमों से चल रहे हैं तो ये बयां करता है कि आप ज्यादा ही नर्वस हैं और इस काम को ठीक से करने के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए जहां तक हो सीधे और विश्वास से भरे नजर आएं। पुराने और सीधे तरीके से हाथ मिलाएं। हाथ मिलाने के तरीके को एचआर टीम कई सालों से एक सिग्नल की तरह यूज करती आई है। इन फेमस सिग्नल्स को पहचानने और अपनाने की कोशिश करें। एक बुलंद और नजर से नजर मिलाकर हथेली से हथेली वाला हैंडशेक ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जबकि निर्जीव स्थल और ढीला ढाला और बिना नजरे मिलाए हैंडशेक दर्शाता है कि व्यक्ति में एंथुसियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तथा वह इनएक्टिव नेचर का भी हो सकता है। एक एग्रेसिव हैंडशेक और इस दौरान हाथों को कस के दबाना व्यक्ति के बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने को दर्शाता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि उसके अंदर सेंसिटिविटी की कमी है। हाथ पर हाथ रखकर हाथ मिलाना इनसिक्योरिटी की फीलिंग को दर्शाता है। इस तरह का हैंडशेक बहुत आम है, लेकिन ये प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए सही नहीं है, अतः ऐसा करने से बचें। इंटरव्यू के दौरान अपने पोस्चर पर ध्यान दें। आप इंटरव्यू के दौरान किस तरह से बैठते हैं इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। झुककर बैठना इंटरेस्ट का ना होना दर्शाता है। वहीं कुर्सी या बैठने के स्थान पर शरीर को टिकाकर बैठना बेचैनी या नर्वसनेस को दर्शाता है। हमेशा शरीर और सर को सीधा रखकर बैठना यह दिखाता है कि कैंडिडेट विश्वास से भरा है और स्ट्रेस फ्री है और इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से रेडी है। इंटरव्यू कमरे से बाहर किस तरह निकले इस पर भी ध्यान दें। इंटरव्यू अच्छे से निपट जाने तक ही खत्म नहीं होता। आप इंटरव्यू रूम के बाहर किस तरीके से निकलते हैं यह बात भी गौर की जाती है। इंटरव्यू रूम से निकलते समय भी आप ध्यान रखें कि आप सीधे और विश्वास से भरे कदमों से चल रहे हों। आप जाइए और वैसा ही प्रभाव डालिए जैसा आप दिखाना चाहते हैं।